हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज वो पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों को अच्छे से समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसकी मदद से आप कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको सबसे पहले पी रेशियो का मतलब बताता हूँ। पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में प्राइस का मतलब है करंट मार्केट प्राइस, जो कि कंपनी के शेयर की मार्केट में चल रही है, और अर्निंग का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर ऑफ दी कंपनी, जो कि कंपनी के इनकम स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके एंड में लिखा हुआ होता है। और आप लोग अर्निंग को अपने डिविडेंड से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि अर्निंग्स और डिविडेंड दोनों अलग चीज़ है। अर्निंग पर शेयर निकलने के बाद कंपनी कुछ अमाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालती है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो कंपनी उस रिजर्व्स एंड सरप्लस से उस अनसर्टेनिटी को फुलफिल कर देती है, और उस रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ अमाउंट डालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में उसके शेयर होल्डर्स को दे देती है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ ये सब बताऊंगा कि आप कैसे किसी कंपनी का पी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेके आया हूँ, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1376.45 और उसका अर्निंग पर शेयर है 33.04। और जैसे कि पी रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 41.66, जो कि अभी उसकी वैल्यू ये बात जो कि अभी 41.66 है, और ये बताता है कि स्टॉक की वैल्यू अभी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इसका सेक्टर का पी 20 से 21 के लगभग ही है और कंपनी में ग्रोथ भी इतना खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से क्वार्टर के उसके रिजल्ट देखे तो वो लगभग लॉस में ही आ रहे हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन एक ये IRCTC का स्टॉक है, इसमें मोनोपोली है, तो ये फ्यूचर में ग्रोथ देगा, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसी की जगह अगर कोई और कंपनी होती और उसका पी ज़्यादा होता और उस कंपनी में अगर ग्रोथ नहीं दिखता तो उस कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। और इसी की जगह अगर कंपनी का 2 या 3 का कोई पीई हो और उस वक्त कंपनी में आपको ग्रोथ दिख रहा हो और उस वो एकदम बेस्ट टाइम है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इन फ्यूचर इन 4 to 5 years वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा। और इसी की जगह अगर वो 2 से 3 का पीई का स्टॉक है और उस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इस ये था मेरा पी रेशियो का एनालिसिस। अब मैं आपको पीबी रेशियो का मतलब बताता हूँ और उससे बदौलत आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको वो भी बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस मतलब वही करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, और बुक रेशियो यानी कि बुक में उस स्टॉक की क्या वैल्यू है, मतलब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में उस शेयर की क्या बुक वैल्यू है, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि इतने शेयर कंपनी ने मार्केट में इश्यू कर रखे हैं। और टोटल लाइबिलिटी में ये एक बात और बता दूँ कि टोटल लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये दोनों के डिफरेंस ही हमको निकालना होता है। और हम यहाँ पे अगर अभी पीबी रेशियो IRCTC का देखें तो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1376.45 और इसका बुक वैल्यू है 82.99, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका पीबी रेशियो आ जाता है 16.59। वो ये भी इंडिकेट करता है कि इसके बुक वैल्यू से उसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 16 गुना ज़्यादा है। लेकिन ये एक तरीके से और ये एक पॉइंट और दर्शाता है कि ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि नॉर्मली 5-6 तक जो पीबी रेशियो रहता है वो नॉर्मली अच्छी रेंज में कहलाता है, उससे ऊपर जो स्टॉक हो जाता है वो ओवर वैल्यूड हो जाता है। लेकिन IRCTC एक बढ़िया स्टॉक है, इस कंपनी में ग्रोथ है, तो इसके लिए ये पीबी रेशियो चल सकता है। और इसी की बजाय अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो एक से कम है तो उसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से कम है। और अगर उस स्टॉक में आपको ग्रोथ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उस स्टॉक में अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। उस कंपनी में आप अभी इन्वेस्ट कीजिए और वो आपको इन 4 to 5 years मल्टी बैगर रिटर्न देगा। और इन केस अगर किसी स्टॉक का पीबी रेशियो सपोज 10 to 15 है और आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है तो उस स्टॉक में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा डूब जाएगा।
और ये था मेरा पी रेशियो और पीबी रेशियो का एनालिसिस। अगर आपको ऐसे और फंडामेंटल्स के वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, और वीडियो को एंड करने से पहले एक बार याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।